जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम टू द आर्टिस्ट टॉक सीरीज दैट वी हैव इनिशिएटेड एट कंप्यूटर आर्ट्स डिपार्टमेंट वेरी रिसेंटली. एंड टुडे वी हैव गॉट वेरी स्पेशल गेस्ट एट आवर टॉक सेशन हु इज आरएम नईम. ही इज अ वेरी वेरी फेमस आर्टिस्ट इन पाकिस्तान एंड ही हैज वर्क्ड इन रेंज ऑफ मीडियम्स लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी and even film as well. And now he is doing modeling for different brands as well. So aaj hamara jo session hai usme hum apna format thoda aise hi thoda flexible rakhenge aur usme ye hai ki I ask the girls to look at your work at the Instagram page and throughout Facebook and other social media places as well. तो उन्होंने डिफरेंट पेंटिंग सिलेक्ट की होगी एंड दे विल बी टॉकिंग अबाउट अराउंड दैट दैट व्हाट काइंड ऑफ मीडियम यू हैव यूज्ड इन दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू हैव यूज्ड इन दैट. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू टॉक ब्रीफली अबाउट योर करियर एज अ विजुअल आर्टिस्ट और व्हाटएवर, ताकि ये थोड़ा सा जान सकें कि इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं इन द आर्ट वर्ल्ड. सो ओवर टू यू आरएम नईम. थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. इनफैक्ट आपको तो पता ही है मेरा सारा कैरियर, तो मैं रिवाइंड पे लगाता हूँ कैरियर को. खास से मेरा ताल्लुक है, इनफैक्ट मेरे खास के करीब एक गांव था, वहाँ पे मैं पैदा हुआ और उसके बाद फिर मेरे खास छोटे शहरों में आप सबको पता ही है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती इंस्पायर करने के लिए कि आप कोई गैलरीज हों या स्कूल्स हों या कोई बहुत आर्ट एग्जीबिशन हो रही हों. तो वहाँ जो इंस्पायर करते हैं लोगों को वो सिनेमा बोर्ड पेंटर, साइन बोर्ड पेंटर और इस तरह के लोग होते हैं जो बेसिक जिन्हें मैं समझता हूँ वो स्कूल से कम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और बहुत ज़्यादा लोग उसके बाद मेजर फील्ड में आए जो आर्ट के अंदर एक बड़े नाम है आजकल, उससे पहले भी. तो मोस्टली लोग इस तरह से ही आए. तो मेरा ख्याल है कि उनका जो मेरी ज़िंदगी में रोल था बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं सिनेमा बोर्ड पेंटिंग मैंने शुरू की, उसके बाद मैं साइन बोर्ड पेंटर के पास चला गया उस्ताद जमील अहमद, वहाँ मैंने काम किया. तो कमिंग फ्रॉम अ विलेज इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू बी देयर विद हिम बिकॉज ही वाज लाइक फ्रॉम दिल्ली और उनकी उर्दू और सारा सब कुछ, तो मुझे तो उर्दू भी सही से नहीं आया करती थी. तो आई लर्न ईच एंड एवरीथिंग एक्चुअली फ्रॉम हिम. जब मैं एनसी आया तो आई वॉज रनिंग ए शॉप जहाँ मेरे पास दो चार लोग काम करते थे और मैं पैसे से कमा रहा था. और जब मैंने एनसी ज्वाइन किया एज टीचर तो मेरी तनख्वाह उससे कम थी एक्चुअली जो मैं कमा रहा था पहले. फिर जब एनसी आए तो एनसी का आपको पता ही कि बेसिक सी एक होता है, जिन लोगों के पास पैसे वैसे ना हो, बैकग्राउंड इस तरह का ना हो, तो मुश्किल होता है सर्वाइव करना. एक कल्चरल शॉक था, पहली दफ़ा मैं निकला था अपने शहर से. उसके बाद जब वहाँ आए तो वहाँ मामला मेरे लिए बिल्कुल ऐसे था जिस तरह किसी गाँव से किसी को अमेरिका भेज दें या किसी सैन फ्रांसिस्को भेज दें, किसी ऐसी जगह पर भेज दें जिनका कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई हो हर एतबार से. तो फॉर मी इट वॉज सो डिफिकल्ट टू फिट इन दैट कल्चर फर्स्ट ईयर में. बड़ा मुश्किल से टाइम था, लेकिन वो एक जब आप अकेले में टाइम गुजारते हैं अपने साथ तो बहुत सारी चीज़ें अपने से आप बात करके सीखते हैं. और मेरा ख्याल है कि हर एक इंसान को अपने साथ वक्त गुजारना चाहिए. तो आई स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ टू फाइंड समथिंग कि कुछ तो होगा मेरे में अच्छा कि जिसकी वजह से मैं ज़िंदा रह सकता हूँ. मुझे सारे अच्छे लगते हैं सिवाय अपने आप के. तो मेरे पास सिर्फ एक वाइद था कि शायद मेरा काम ही है जिसकी वजह से मैं जो मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं या वैल्यू करते हैं या लिफ्ट कराते हैं थोड़ी बहुत. आई थॉट चलो जो अच्छा है वहाँ से तो शुरू करो, जो बाकी अच्छा नहीं है आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगा. फिर आप जैसे क्लास फेलोज मिल गए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की आज आरएम नईम जो भी उसको आरएम नईम बनाने में. मेरी करेक्शन तुम सबने बड़ी की, तुम लोगों को बड़े खाने खाए मैंने तो. बस उसके बाद बस एनसीए से निकल के बस फील्ड में आ गए. तो ये बैकग्राउंड है. Mashallah, Naeem has exhibited nationally, both nationally and internationally as well, and he has won many awards in like paintings and even short films as well. He's running his own studio with the name called RM Studios, and he has done international residencies over there as well. And he's also doing other kind of social work as well, like for disabled children or just for children. You are working for them as well. जो कि आपकी वो जो little children या something इस तरह की भी कोई है ना जिनके साथ आप काम कर रहे हो? हाँ, मेरा थोड़ा सा वही बिलीव ये था कि मेरे जैसे लोग दोबारा ना आए, मेरे जैसे लोग पैदा हुए हो, अगर कोई
उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। बेसिकली होता है कि जो आप आइडलाइज करते हैं अपने लिए, तो अगर आपके लिए किसी ने नहीं किया तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में आते हैं या आना चाह रहे हैं या पास कर गए, लेकिन उनको किसी न किसी वजह से उनकी काउंसलिंग सही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो फील्ड में सेट नहीं हो पाते अपने आप को। पोटेंशियल बहुत हाई होता है लेकिन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो मैं क्योंकि गुजरा हुआ था उससे, तो आई थॉट व्हाई नॉट मैं इनका टाइम सेव करूं। तो उसमें हम जो मेरा मेजर एरिया है वो बच्चों वाली साइड पे, कि जो यंगस्टर्स हैं जो आना चाह रहे हैं आर्ट में, तो उनको हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं कि उनकी काउंसलिंग किस तरह से करें कि आर्ट कोई महज पेंटिंग करने का नाम नहीं है, और क्या क्या हो सकता है, कितनी ब्रांचेज हैं। तो उसमें पहले मैं डील कर रहा था ज़्यादा टीनेजर्स के साथ, और जो एनसी जा रहे हैं या किसी आर्ट स्कूल जा रहे हैं, उस तरह के एज ग्रुप में। उसके बाद हमने शुरू किया, सदफ ने, मैंने और काजिम और कुछ और साथ थे मेरे स्टूडेंट, तो उन लोगों ने शुरू किया। हमने वर्कशॉप्स करवाना शुरू की बच्चों को डिफरेंट स्कूल जाके गांव देहात में। तो उसका जो फीडबैक था वो इतना अच्छा था कि उसमें से एक लड़कियों का स्कूल था, नॉट लड़कियों का, कोई एजुकेशन, उससे हमने ये था शहर के करीब ही लाहौर के, तो वहां जब हम गए तो उस एक बैच में से कोई 30-35 लोगों में से 8-9 लोगों ने आर्ट लिया, जबकि उससे पहले वो आर्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे उनमें से कोई भी आर्टिस्ट बनना। तो बेसिकली एक विजन की बात होती है। तो फिर मैं बच्चों ने सिखाया कि अगर हमने यहाँ तक लाना है तो उससे पहले से हम काम क्यों ना शुरू करें कि यहाँ तक लोग बेहतर आए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो आपको पता है जो हालात होते हैं कि वो टीचर्स मोस्टली नॉन प्रोफेशनल होते हैं, उनको पढ़ाना आता नहीं है, ना पढ़ा होता है, सॉरी टू से, बट वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, और इसमें कसूर उनका नहीं है, एक सिस्टम का भी है कि एक्सपर्ट जो क्यों पढ़ाएगा, आप उसको क्या पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दोनों साइड से प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं अवेलेबल हो जाऊं उन सबके लिए। तो उस चक्कर में फिर हमने वर्कशॉप से, फिर हमारे दोस्त हैं कुछ लिटिल आर्ट के नाम से कुछ कर रहे हैं, जब उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट तो फ्रॉम द डे वन ऑन द बोर्ड, तो उनको मैं एडवाइस कर रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर उसमें हर तरह के थे, सरकारी स्कूलों के भी थे, प्राइवेट, तो वो हमने डिविजनिंग नहीं रखी कि मैंने सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना है, ऐसा नहीं है, हर एक की जरूरत हो सकती है। तो आप जिसकी जरूरत है उसके लिए काम करें, बजाय इसके कि सिंपथी बेस पे ना करें, लेकिन जरूरत करें, तो वो जरूरत अगर है तो व्हाई नॉट। तो मुझे लगता है कि हर एक प्रोफेशनल को अगर आप चाहते हैं एक रियल चेंज लेके आना, तो आपको अपने आने वाली जनरेशन जो है उनके साथ अपना बेस्ट टाइम गुजारना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि एक ऐसा डोनेशन है जिसका पे बैक पूरा सिस्टम में नजर आएगा आपको। तो आई थिंक वो एक मुझे मजा आता है पर्सनली, मुझे इतना कॉलेज जाके मजा नहीं आता पढ़ाने का जितना यहाँ जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ या इंटरेक्ट करता हूँ ऐसी जगह पे जाकर जहाँ बिल्कुल उन्हें आर्ट के बारे में अली में भी नहीं पता होता। आई थिंक दैट इज गुड साइड। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जैसे अभी आपने कहा कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए डिफरेंट लोग काम नहीं कर रहे होते, मगर आर्ट जो है वो एक ऐसी चीज है कि सिटीज के अंदर भी हम लोगों को टीचर्स नहीं मिलते थे आर्ट के, बड़ी मुश्किल से कोई मिलता था, हमारी तो ट्रेनिंग नहीं थी और हमें तो पता ही कुछ नहीं होता था। आपने तो फिर थोड़ा बहुत कुछ काम किया होता, हमें तो पता नहीं था कि आर्ट होती क्या, आर्ट बोल क्या होती है। अभी जो जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो ये लड़कियां जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आती हैं और मतलब डिफरेंट है, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स डिफरेंट है, एंड देन इन टर्म्स ऑफ जेंडर भी कई दफा लड़कियों का एक्सेस नहीं होती, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि वो आपसे लर्न कर सकें और देख सकें कि प्रोफेशनली काम कैसे होता है इस फील्ड में। मैं चाहूंगी जी, अरे लड़कियां जो ना, मैं कोई बायस होने की कोशिश नहीं कर, ठीक है, इस तरह मदर नेचर उनकी एक है ना, क्रिएटिव नेचर है औरतों की, तो उनके यहां सब चीजों की गिनू तो मेरे शायद मर्द फेवरेट कम होंगे, औरतें ज्यादा हैं, जिसमें कि किस में इनिशियल और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कि आई रियली लाइक देम, कि उनके यहाँ एक खुदा ने एक नेचुरली उनमें क्रिएट करने की एक सेंसिबिलिटी डाली हुई है, तो वो उस प्रोसेस उनके अंदर बिल्ट इन है, तो उन्हें वो मुश्किल नहीं लगेगा। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ा जस्टिस कर रही है उसके साथ, और ये सोचना कि मैं कहाँ से आया हूँ, अगर मैं ये सोच लेता तो मैं शायद कुछ भी ना बन पाता। जो जिसने कुछ काम नहीं करना उसके लिए हर्डल है, तो मेरा ख्याल कोई भी चीज हो, इकोनॉमी हो या सिस्टम हो या जेंडर हो, वट एवर दैट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। तो आई पर्सनली टेक ऑल दीज थिंग्स लाइक ब्लेसिंग, कि यार मुझे जो कुछ हुआ, शुक्र है मैं गरीब पैदा हुआ, शुक्र है मेरे पैसे नहीं थे, शुक्र है मैं गाँव में पैदा हुआ, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, तो मुझे हर चीज का बेनिफिट मैंने लिया उसका। कि एक भूखा आदमी तो उसको बड़ा, वो रोटी को बहुत सोच समझ के खाता है, वो पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करता है। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी लाइक दैट, एंड वो मतलब मुझे मजा आया उसमें, कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि शायद मैं कहूँ कि उस वक्त में जो मेरी एनर्जी थी
लोग कहते हैं कि शायद कम हो गई होगी, मुझे लगता है कम नहीं होगी, वो चीजें बढ़ती जाती कम नहीं होती। तो मेरे ख्याल ये आज से डिसाइड करें, आज तो द वर्ल्ड इज योर्स, ठीक है, आप नेट पे बैठे हैं, पूरी दुनिया में आपके उस्ताद बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि उस्ताद आपको क्लास में आके पढ़ाए, अब तो हर तरह की फैसिलिटी है उनके, ऑनलाइन आप जाएं तो लेक्चर्स हैं आर्टिस्ट के, वो अपने प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, वो एक एक चीज अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूरेटर्स बात कर रहे हैं, गैलरीज उनकी टॉक्स अरेंज कर रही है, इस तरह अभी हम बात करें तो ब्लेसिंग फॉर देम, आई थिंक सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। एग्जैक्टली बेटा, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से, यू आर मोर देन वेलकम, और अगर कोई जो इनकी पेंटिंग या काम है उससे मुतल्लिक कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुझसे पूछ रहे थे, ड्राइंग के लोग भी, बाकी के कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है और लोग कैसे इमेजिनरी और इस तरह की पेंटिंग्स कर लेते हैं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस अराउंड दैट एज वेल, जो भी आप पूछना चाहते हो। जी, आवाज आ रही है नहीं आपको? जी जी आ रही है। जी 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 बेटा, मैं एक बात करना चाहती थी इनकी बात में कि कम्युनिटी वर्क का जो कह रहे हैं लिटिल आर्टिस्ट का जो कह रहे हैं, तो लास्ट ईयर इस तरह हुआ था कि हम, मैंने और मेरी सिस्टर ने, यहाँ पे आगोश और खिदमत है ऑर्फनेज है, तो वहाँ पे हम लोग ने मतलब कहा कि हम लोग यहाँ पे मतलब करना चाहते हैं कम्युनिटी वर्क, तो हम लोग ने कहा कि हम लोग आर्ट वर्क बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो सैडली हम लोग को इतना ज्यादा मतलब इस चीज को फेस करना पड़ा कि वहाँ के जो टीचर्स थे और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे वर लाइक आर्ट से क्या होगा, बच्चों को आर्ट सिखा के क्या आप लोग मतलब क्या चाहते हो, कितनी यहाँ आओ बच्चों को ट्यूशन कुछ पढ़ा दो, होमवर्क में हेल्प कर दो, और वो इतने इस चीज के अगेंस्ट थे, फिर भी हम लोग लाइक सब नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके हम लोग ने उन बच्चों को आर्ट वर्क सिखाए, डिफरेंट क्राफ्ट वगैरह सिखाए, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग ने उनके ऊपर 3 महीने मेहनत की, और मतलब आखिरी दिन तक वो टीचर्स हमसे यही कह रहे थे कि आर्ट से क्या होता है, लेकिन जब हम लोग ने बच्चों से मतलब उसका रिस्पांस मांगा, सो दे वर सो हैप्पी, लाइक कहते थे बाजी हम लोगों को तो इन चीजों का पता ही नहीं था, और लाइक लग वो जिस तरह के घुटे हुए माहौल में पहले थे ना, लाइक उससे वो बाहर निकलते हुए नजर आए थे उस चीज से, बहुत जिस स्टेज पे भी आपको लगता है कि आप सोसाइटी के साथ शेयर कर सकते हैं तो करना चाहिए, और आर्ट डेफिनेशन जो है वो चेंज करने की जरूरत है, कि हमेशा आर्ट आप एक ही तरह करते रहेंगे अगर आपकी डेफिनेशन वही पुरानी होगी, तो आप आर्ट में समझेंगे तस्वीर बनाना है या घर में कोई एक चीज ऐसे सजा के रखना है, बेसिकली आपका एक लाइफ स्टाइल है पूरा का पूरा, कि आपको आर्ट जो है मुख्तलिफ तरह से सोचने की आदत डालता है, और अब दुनिया में हर चीज जो भी होती है विदाउट आर्ट विदाउट आइडिया पॉसिबल ही नहीं है, इवन बैंकिंग भी है, तो आप बैंकिंग में इफ यू आर नॉट कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया हाउ यू कैन मल्टीप्लाई मनी एंड हाउ यू कैन गिव बेनिफिट टू द बोथ पार्टीज, आप एक अच्छे बैंकर भी नहीं है, ठीक है, तो आप जो कुछ कर रहे हैं उनका विजन आर्ट को पेंटिंग या सिर्फ विजुअल आर्ट के तौर पर ना समझाएं, उसको एक आइडिया के तौर पर समझाएं, तो ज्यादा आई थिंक ये बच्चे, और दूसरा बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने आने वालों से नहीं सीखते, बच्चों से नहीं सीखते, नया वही लेके आए होते हैं, तो आप जितना शेयर करेंगे उनके साथ आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात पर, तो उन पर आई थिंक जो कुछ आपने किया बहुत अच्छा किया और करते रहें, उसकी वाबा के चक्कर में ना पड़े, कौन वाबा करेगा, ये आपकी लॉटरी है, खट्टी वाबा निकलेगी। एग्जैक्टली जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या बताना चाहता है अपना? जी जी मैंने पूछना था कि जैसे अभी मेरी आर्ट्स अभी बहुत अच्छी हो गई है, मैंने साइंसेस ली थी ओ लेवल्स में, और अभी मैंने ए लेवल्स के बाद आर्ट्स लिया, मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन मसला ये होता है कि जो आप हम खुद से क्रिएट करना चाह रहे होते हैं ना, तो वो मुझसे क्रिएट नहीं होता, मैं कॉपी पूरा कर लूँगी, एग्जैक्ट चीज़ कॉपी करके आपके सामने रख दूँगी, लेकिन आइडियाज मैं बहुत चीज़ें पिंट्रेस और ये सब इन पे भी देखती हूँ और कंबाइन करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे से बिल्कुल भी कुछ नहीं बनता एक यूनिक कुछ भी। असल में वो इसका जो तरीका है वो यही है कि जब आप जो चीज़ सीखेंगे आपको वही आएगी, ठीक है, अगर आपने सिर्फ कॉपी करना सीखा है तो कॉपी करना ही आएगा आपको, क्योंकि आप इंक्लाइंड उस तरफ थी, आइडिया जो है वो कॉपी करने से नहीं आएगा आपको, वो कुछ और भी पढ़ने से आएगा, और डिफरेंट फील्ड की जो चीज़ें होती हैं जब उनको पढ़ेंगे आप, जिस तरह आर्ट और लिटरेचर
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्ट और साइंस, ये सब चीज़ें एक साथ है, ये कोई अलग नहीं है, आर्ट और टेक्नोलॉजी ये सब कुछ साथ है। जब आप इनको दो चीज़ों को मिलाएंगे ना, तो वो खुद ब खुद उसकी शक्ल बेहतर निकल आएगी। जिस तरह गाने में आपको वो गज़लें याद रहती हैं, गाने याद रहते हैं जो गाए जाते हैं, कि जहाँ गायकी ऐड हो गई उस पोइट्री के साथ, तो उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो गई, उसके एस्थेटिक्स फ़र्क हो गए, वो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि पोइट्री को इंजॉय करने की चीज़ नहीं है, लेकिन वो अलग से इंजॉय करने की चीज़ है, लेकिन जब दो चीज़ें मिलती हैं तो खुद ब खुद वो खूबसूरत होना शुरू हो जाती है, नेचुरली वो रिएक्ट करती हैं। तो मेरे ख्याल है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आर्ट के जरिए कोई एक मैसेज या कोई एक ऐसी बात हो कि लोग उस पर सोचना शुरू करें, तो उसका बेस्ट वे यही है कि आर्ट के अलावा जो है सब्जेक्ट्स पढ़ें बाकी, कि फिजिक्स में क्या हो रहा है आज, ठीक है, दुनिया के अंदर तरक्की में किस किस तरह के आइडियाज हैं जो काम कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए लोग कौन कौन सोच रहे हैं, क्या वो, अगर हम आर्ट के जरिए वो बात करेंगे, आइडिया बेशक वो किसी और का होगा, लेकिन जब आप उसकी बॉडी बदलेगी तो उसकी फॉर्म भी बदल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चीजें मेरा ख्याल है अगर वो नहीं हो रही, और ये भी कह देना, मैं तो आज तक नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ये मैं कॉपी बड़ी अच्छी कर लूंगा, इवन ये भी आसान नहीं है, ये इटसेल्फ एक अगर आपने यहाँ तक इंक्वायर किया है, मुझे लगता है कि अगर आप रफ़ी की तरह गा सकते हैं या लता की तरह गा सकते हैं, इसका मतलब है गले में गुंजाइश है गाने की, लेकिन आपको अच्छा कंपोजर चाहिए, अच्छा पोइट चाहिए। जब अच्छा कंपोजर आपकी आवाज़ को यूज़ करेगा, तो सेम विद आर्ट मेकिंग, के आइडिया इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। उस आइडिया को आपने कॉपी नहीं करना होता, उस आइडिया की डिमांड के अकॉर्डिंगली आपकी स्किल्स यही होती हैं कि कहाँ कितनी चीज़ चाहिए, किस साइज में चाहिए, किस मीडियम में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, तो वो एक क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए। तो वो जब क्वेश्चन होगा, और कभी भी पेंटिंग को इस तरह से ना सोचें कि वो कोई कही हुई बात की तरह या सवाल जवाब की तरह पेंटिंग है। पेंटिंग एक टोटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि आप उसके जरिए लोगों को सिखा या कुछ एक सर्टन उस पर पिंच कर सकते हैं। आप दुनिया में कोई ऐसा मेजर चेंज आज आर्ट के जरिए नहीं ला सकते, क्योंकि आर्ट ने जो चेंज लेके आना था, उसकी इन्वेंशन की जो अल्टीमेट एग्जाम्पल है वो ये, जो हम बैठे हुए, कि इमेज अब इस तरह देखा जा सकता है, ठीक है, और उसमें आवाज है और उसमें सब कुछ है, तो ये उसी इमेज मेकिंग की ही डेवलपमेंट है। तो अब आप सोचें कि इसके साथ फर्दर हो क्या सकता है, तो इस पे बाउंड ना रहे कि आपने कागज पे करना है, किसी चीज पे करना है, तो अपने मीडियम्स भी बदलें और अपने सोचने के तरीके भी बदलें। एग्जैक्टली खासतौर पर जो कंसेप्चुअल डिजाइन मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें अब यही है कि कंसेप्चुअल डिजाइन भी जब इंट्रोड्यूस हुआ, और कंसेप्चुअल आर्ट का जो भी है उसमें भी डिफरेंट मीडियम भी यूज होना शुरू हुआ, जैसे इंस्टॉलेशन है या आप परफॉर्मेंस है या बाकी न्यू मीडिया है, तो ये इस किस्म के मीडियम्स भी आप ट्राई करते हो। अभी तो जो पेंटिंग वाले हैं, जो ड्रॉइंग के बच्चे हैं, उनका तो ये है कि अभी तो मेजर पेंटिंग उन्होंने सीखी है, जो जाहिर है कि आप कंस्ट्रक्शन उसकी सीखते हैं, एंड देन दे आर मूविंग टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट और आइडियाज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आप डिफरेंट चीजों को अपने जहन में रखें, और पोइट्री या बाकी चीजों से भी आर्ट फॉर्म से आप रिलेट करते हुए डिफरेंट काम कर सकते हैं, उससे भी कई दफा आइडियाज आते हैं कि आप और क्या क्या सोच सकते हैं, क्या करते हैं। और ये बात भी बहुत अच्छी कही है आरएम ने कि जो इस वक्त तो वाकई न्यू मीडिया की डिमांड भी ये हो गई है कि इनोवेटिव वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, तो इसका मतलब है कि दे नीड इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम एवरीबडी नाउ। अब तो आपको सबको ही क्रिएटिव होना पड़ेगा, हर हर सूरत में सर्वाइवल ही मांग रहा है यही चीज, यू हैव टू सर्वाइव लाइक दैट, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कॉपी कितनी देर करेंगे किसी को, जबकि सब जगह डिमांड इनोवेटिव आइडियाज की। अब देख लेंगे ये जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ, और ये एक नया वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हो रहा है, जो कि आप ये सोचो नईम के हमारी इतनी कंस्ट्रेंट्स थी कि हम बहुत सी चीजों को, जैसे अभी क्लासरूम में भी हमें कई दफा कंस्ट्रेंट्स आती थी, अब न्यू मीडिया के यूज की वजह से, क्योंकि उसकी डिमांड डिफरेंट हो रही है, इवन के हायर एजुकेशन की बाकी, कि हमें अब खुद ब खुद उस लिमिटेशन में से बाहर निकलना पड़ रहा है। वी हैव टू एक्सपोज आवरसेल्व्स टू अदर थिंग्स, जो कि अभी ये भी बहुत मजेदार चीज हुई है कि जो कंप्यूटर आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें फाइन आर्टिस्ट के साथ बहुत कम रिलेशनशिप होता है। आई वॉज अ फाइन आर्टिस्ट एट माई डिपार्टमेंट, और अब मुझे यही सोचती रहती थी किस बात के लिए बिलोंग फाइन आर्टिस्ट को, किस काम के लिए। अब देख लीजिए कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडियाज बेस ही आर्ट पर कर रहे हैं, आर्टिस्ट चले जी आप सोचने वाले बने, करने वाला मैं करता हूँ जो आप सोचेंगे। लेकिन अगेन आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं या आपसे यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली मीडियम, हाँ। दूसरा है कि जो भी आपका आइडिया है, वो आइडिया को आपने समझना होता है कि वो आइडिया किस फॉर्म में बनेगा,
नहीं होगा, जिस तरह मुझे लगा कि एक स्टेज पे शायद जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो फिल्म के बगैर मुमकिन नहीं है, तो मैंने फिल्म उसमें मेरा आर्टिस्ट होना कम नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं रहेगा क्योंकि ट्रेनिंग मेरी वो है, ठीक है। कर रहा हूँ तो इंस्टॉलेशन में जिस तरह की चीजें मर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से आरएम नहीं कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा। अगर मैं अपने आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा मजदूर हूँ, तो मैं अपने लिए मजदूरी ढूंढ लेता हूँ अपने काम में, वो बेशक मैं एनिमेशन कर रहा हूँ या मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वो आपने समझना जरूरी है कि एक तो ये भूल जाए कि सिर्फ पेंट दुनिया में चीज है या सरफेस टेंजिबल, इवन सेल्फ कुड बी समथिंग यू नो जो सबसे वैल्यूएबल होता है, वो सिर्फ एग्जैक्टली जरूरत ही ना पड़े करने की, वो सिर्फ कहने का हुआ है। Exactly. Conceptual art में हम यही discuss कर रहे होते हैं कि सिर्फ idea itself is an art form as well, जो कि आप discuss कर रहे हैं, तो that is also, हाँ सुबह आप यही बात है कि जो आप medium की बात बार बार करते हो, this is very important कि जो भी आपने बात कहनी है वो किस medium के through कह रहे हैं, poetry में कह रहे हैं या film में कह रहे हैं या painting से कह रहे हैं या photography से कह रहे हैं, तो वो आप उसके through आप देखते हैं कि आप किस चीज के through कह रहे हैं। यही बात drawing में भी आती है और यही चीज जो है ये दूसरे जो कंसेप्चुअल आर्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी। बेटा अगर आप लोग अपने कोई शेयर करना चाहते हो जो सर का काम जो कि आपको पसंद आया एंड यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के बारे में जब बात करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे उनके जहन में क्या कॉन्सेप्ट था और वो पेंटिंग में ट्रांसलेट होकर कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियम तो जो भी यूज किया उन्होंने उसके बीच में वो क्या है, वो मिक्स मीडियम है या सिर्फ पेंटिंग है या क्रैलिक है या जो भी है, और वो ट्रांसलेट होकर आइडिया जो हेड से होता है वो ट्रांसलेट होकर वहां कैसे आता है, उसको कोई शेयर करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम सलाम बेटा। मैम सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने आपकी सारी पेंटिंग देखी है इन लास्ट फ्यू डेज, तो उसके अंदर एक तो कनेक्टेड है जो आपके कुछ उसके ऊपर कनेक्टेड के टॉपिक पे बनी हुई है इमेजेस, देन फिर तवाफ है और फिर वन डजन है, तो मुझे इन तीनों के बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि इन तीनों के कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैं जैसे तवाफ के ऊपर काफी सारी इमेजेस हैं लेकिन मुझे जाहिर सी बात है एक मैं तो बिल्कुल ही एक फर्स्ट लेवल भी नहीं कह सकते, जीरो लेवल कहते हैं, तो मैं उसकी स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे क्रॉस की हो रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, किस चीज पे बात हो रही है। एक एक पे बात करते हैं, तो अगर लेट से तवाफ की अब बात करें तो ये हम लोगों का शो था यूएन में अमेरिका में, और उसमें मैंने कुछ चार पांच इमेजेस बनाए थे, उसमें से दो इमेजेस वहां पे डिस्प्ले किए थे मैंने उसके, तो उस इमेज को आप देखें तो गौर से वो स्क्वायर है उसका जो साइज है, ठीक है, और उसके आसपास जो है लोग बने हुए, तो जब हम तवाफ करते हैं तो बेसिकली क्यूब या एक फॉर्म है जो स्क्वेरिश है उसके आसपास आप मूव कर रहे थे, तो बेसिकली मंडाला का एक जो सर्कल और का जो ताल्लुक है कि किसी भी रिलीजन के अंदर ये दोनों प्रैक्टिसेस दोनों शेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो और उसके बीच में अल्लाह लिखा हुआ है कि जब हम कहते हैं ना खुदा का घर खाना काबा को, उसके ऊपर एक इस तरह की लाइन भी लगी हुई है, तो बेसिक सिंबल्स हैं कि एक कैलीग्राफी है, एक होराइजन है उसके अंदर हल्का सा और एक मूवमेंट है उसके आसपास, तो आप किसी एक रिपीट का एक्ट जो बेसिकली मेडिटेशनल एक्ट कहलाता है, जो भी आप रिपीट करते हैं किसी, अगर एक लफ्ज को बार बार लिख रहा हूँ मैं या बोल रहा हूँ लफ्ज को, तो वो रिपीट के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता सा साउंड सेकेंडरी हो जाता है और आप किसी और स्टेट में आए थे, तो वहां पे वो जो लिखा हुआ है वो सेकेंडरी हो गया और एक इमेज बनना शुरू हो गया वहां पे उसके रिपीट से, तो जिस तरह वहां पे हम देखते हैं डार्क हैं उसमें लाइक सारे कलर्स बहुत डार्क हैं, कोई आपको इमेज मतलब वो आपको कोई भी इवन कोई पर्सन भी आपको हल्का सा ब्राइट नहीं दिखेगा, वो क्या रीजन है? ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है जिसकी आप बात, एवरीथिंग इज इमेज की आप बात। हेलो कैन यू हियर मी? ये आवाज ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है ना आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी जी मैम आपका माइक ऑफ है, सॉरी मेरा माइक। अच्छा अगर आप लोग स्क्रीन शेयर कर देते हैं, अगर आपकी स्क्रीन है तो उस पर दिखा सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं, कोई और दिखाना चाहता तो वो भी कर सकता है, ताकि वो आप उसमें से हो सकेगा कि आप क्या देख के आपको क्या समझ में आ रहा है और आर्टिस्ट से जब आप बात करते हैं तो उन्होंने क्या सोचा उसके बारे में। बात जी। आप इसकी बात कर रहे हो वो शायद देखने चले गए हैं।
नहीं, आपका एक शिफ्ट जो मुझे बहुत जी जी फातिमा दिखाई सर कुछ दिखा रहे थे वही ठीक है इसी तरह की इमेजेस हैं। ये मैंने बताया ना एक सीरीज थी जो मैंने की थी। अच्छा ये बता, हाँ इसके अंदर भी आप देखेंगे सिंबल्स बने हैं। बेसिकली मैं जो मेरी थोड़ी सी डायरेक्शन रही स्पिरिचुअल, जब हम ट्रैफिक के साइन देखते हैं, जब हम सूफीज्म को प्रैक्टिस करते हैं तो उनके अंदर भी इशारा एक टर्म यूज किया जाता है कि इशारा जो आपको मिलता है, हिंट मिलती है कहीं से। तो इसके अंदर जो मैं ट्रैफिक साइन जो नजर आते हैं वो मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ चीजें, तो इनकी मैं मीनिंग देख रहा था कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। कि अगर यू टर्न, बेसिकली यू टर्न हमेशा अपसाइड डाउन होता है, अगर आप कभी भी रोड पे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे से घूम के ऊपर से वापस आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग टोटली बदल जाती है जबकि साउंड मैं ज्यादा सही यूज कर रहा हूँ। आप यू कहते हैं तो ये ज्यादा यू पढ़ने में आता है, वो यू पढ़ने में नहीं आता। हमारा जो एक रिलीजियस बिलीव है कि हम जब ऊपर से आए और हमने वापस ऊपर जाना है, तो ये और नेचर के जो एलिमेंट हैं, पानी और जो टोटल ऑर्गेनिक है वहाँ एनवायरनमेंट, अगर आप देखें तो गौर से उसके अंदर वो एक साइन है। और दूसरा जो फ्रंट पे है वो ज्यादा मैन मेड लगता है कि किसी इंसान के बनाए हुए सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जिसके अंदर एक डायरेक्शन, जिस तरह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि तायुन आपने करना है, या जो पंचतन पाक का सिंबल है ये स्टॉप साइन के तौर पे यहाँ पे, या हिंदुओं में या सिखों में ये बड़ा कॉमन वर्ड, पांच इटसेल्फ बड़ा कॉमन एक माना जाता है। फिर एक फ्लैट लाइन है कि एक कामनेस, और उसके बाद उन्होंने क्यूब को डिवाइड किया हुआ है जो खाना काबा की फॉर्म है अगेन, कि यू हैव टू गो थ्रू समथिंग टू अचीव समथिंग। अगर आप आए टू डू समथिंग ना, तो व्हाट इज समथिंग, वो समथिंग कुड बी योर्स, मतलब आप डिसाइड करेंगे समथिंग जिसकी वजह से आप बाद में याद रखे जाएंगे, वरना कोई आपको याद नहीं रखेगा। नहीं ये सारा हैंड पेंटेड है बेटा, इसके अंदर कोई ये पेंटिंग है मेरी, ये भी अमेरिका में है, एक म्यूजियम है वहाँ, पता नहीं कौन सा, मुझे नहीं याद का नाम, उसमें है। तो इसके अंदर भी मास्क, तो वो मुझे लगता था कि इतना मास्क भी एक इटसेल्फ आइडेंटिटी उस पर कॉम्प्रोमाइज होती है या वो कैरी करता है उसके साथ, तो हम प्रिटेंड करते हैं होते कुछ और हैं हम। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइन एंड दिस कलर्स? ये बेसिकली स्पेस डार्क और उसके अंदर एक लाइट का एक सिंबल ऑफ लाइट। इसमें बेटा ये नहीं होता हर चीज में, अगर आप गालिब के शेर में कहेंगे लेकिन का मतलब क्या है, तो लेकिन का मतलब कुछ नहीं होता, वो लेकिन ही होगा। सर ये कनेक्टेड वाले जो दो इमेजेस हैं, ये हाँ जी ये मेरा सेल्फ है, और द वे वी यूज रिलीजन, एक्चुअली हम रिलीजन से लोगों को इतना खौफजदा कर देते हैं कि जो एक प्यार करने की है, खुदा आपको कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा हूँ और सारा सब कुछ हूँ, तो हम उसमें इतना खौफ क्यों बेचा जाता है उस पूरी कहानी में। तो समझें जिस तरह ये मीनार मस्जिद का वो जो कल्स बोलते हैं उसको उर्दू में, कि हाँ ये मंदिर में भी लगा होता है, मस्जिद में भी लगा होता है, और हर रिलीजियस जो भी बिल्डिंग में उन पर लगा होता है सब कुछ, बड़ा कॉमन सिंबल है। लेकिन उसके ऊपर एक रेड अगर आप गौर करें तो, कि हमने उस डायरेक्शन में प्लेस कर दिया है, हम उससे डर लगना शुरू हो गया हम, तो वो गलत जो है वो इमेज को इतना गलत करने कर देते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट, व्हाट इज मुस्लिम टेररिस्ट, टेररिस्ट का तो कोई रिलीजन नहीं होता मेरे ख्याल से। उसको समझेंगे जो चीजें आ रही होती हैं उसकी डायरेक्शन खुद से आपने डिसाइड करनी होती है कि इसको किस तरह आपने लेना है, इसे बचना है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो बड़ी गलत आ रही होती है, तो ये इमेजेस उसके ऊपर थे कि गलत इन्फॉर्मेशन कैन डैमेज यू, सो इट्स बेटर इफ यू आर विलिंग टू फेस इट एंड ट्रांसफॉर्म इट, और अगर नहीं फेस करते साइड पे हो जाए। सो आई एम वन ऑफ दोस आई फेस इट, आई हैव गॉन थ्रू 2-3 times अप एंड डाउन, बट ओके जब तक आप उससे निमटेंगे नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, तो दिस इज अ वेरी क्रिएटिव वन, लेकिन इसका बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। सीरीज में मैंने सारे अपने सेल्फ पोर्ट्रेट पेंट किए थे, ये कराची में मेरा शो था, और इसमें मैंने अपने आप को हिंदू बनाया था, मुसलमान बनाया था, एक ड्राइवर टाइप चीज बनाई थी, एक औरत मैंने अपने आप को बनाया था, अपने आप को मैंने क्राइस्ट बनाया था। बेसिकली वो जो हम लड़ते हैं ना, तो ये लड़ने की प्रॉब्लम से शुरू होती है, हालांकि डिफरेंस नेचर में टू आइडेंटिफाई थिंग्स होता है, इस पे लड़ना नहीं होता,
ये नाम है, जिस तरह जेंडर है जरी औरत है मर्द, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जरी का नाम जरी है, मेरा नाम नईम है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम उस की बेस पे लड़ने का रीजन नहीं बनता कोई भी। तो जिस तरह रिलीजन के साथ या सेक्स के साथ होता है लोग उसको इशू बना के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो नहीं रिलीजन या एटलीस्ट जो सिंबल ऑफ पीस देता है, तो वो उस वक्त आपको समझ में आएगा जब ये समझेंगे ये सब कुछ आप खुद ही हैं, कि आप अपने आप को नहीं पहचानते। तो इसके अंदर अभी एक बड़ा माचो मैन दूध से मूछे वाला आदमी है, और नीचे आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, वो अंडे संभाल रहे हैं हवा में, टूट भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप एक मूछों वाला आदमी देखे मेरे मेरे टाइप का, तो उसके अंदर कोई एक औरत नहीं होगी, उसमें कोई सेंसिटिवनेस नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि अब इस पूरे सीरीज में ना आगे टेबल टॉप बना हुआ था सारे कामों में, अगर आप गौर करेंगे इस सीरीज में, तो वी आर यू नो यूज टू दिस के इशू चाहिए हमें, इशू इशू इशू, कुछ ना कुछ इसको हमको खेलिए तमाशा, तो टेबल टॉप पे यहाँ कुछ रहता ही रहता है। लोअर हाफ पे ब्रश स्ट्रोक्स काफी ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं, ऊपर की बनाई है आपने, लाइक किस तरह की ये ऑयल पेंटिंग की है सारी? ये सारा एक्रेलिक है, और इसके अंदर भी वही सब हाथ ही बना हुआ, और क्या सर मुझे ये समझ है कि आप कॉन्सेप्ट लाइक ये वाला जो आपने वन डजन ये कॉन्सेप्ट है, ये काफी ज्यादा अलग है, तो ये आपने किस तरह क्रिएट किया था, कैसा आइडिया आता है? मैम ने भी हमें कहा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह बिल्डअप किया आपने? कॉन्सेप्ट देखिए एक तो होता है बोरोड आइडिया, आई डोंट बिलीव इन दैट, सम टाइम आई डू आई यूज देम, बट मेरा अपना होता है कि मुझे जो भी खुद ठीक लगता है ना मुझे वो करना चाहिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अभी मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने एक दफा अंडे उठा के अपने हिसाब से ना, मैंने कहा मैं जरा एक साथ ही लेता हूँ किचन तक वो मेरे से नहीं हुआ हालांकि अपने आप से बड़ा सांस रोक के चलने की कोशिश कर रहा था। तो आई रियलाइज मेरा जो भी इमेज है वो हो सकता है बहुत हॉरेबल हो, लेकिन एक तरफ मैं ये भी हूँ, तो ये इमेज है, इसको मैंने यूज इस तरह से किया था कि फोटो कोलाज लगे कि एक आदमी के पर्सनैलिटी का कि एक कुछ और लग रहा है ऊपर और नीचे बिल्कुल कुछ और लग रहा है, तो उसको इंटरेस्टिंग मतलब इस तरह से रखा था कि वो कि अगर एक बच्चा है मूछों वाला और अजीब सा अंदर उसने कोई रंगीन येलो सी बनियान पहनी होगी, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी इमेज है बेसिकली। तो वो जो लोअर हाफ है उसको मैंने उस तरह से दिखाने की कोशिश की कि एक फ्रेजाइल इंसान भी है वो अंदर से। नहीं, आपकी आपकी जो पेंटिंग्स है ना वो बहुत हद तक साइको एनालिटिक, जो हमारी थ्योरी थी फ्रॉइड की, यूंग की पर्सोना शैडो एंड देन वो जो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छा इमेज है। जैसे आपने वही बात है कि फेमिनिन का इमेज भी है इसमें, मैस्कुलिन इमेज भी है, आप हर तरह का शेडो करते हो, और कोई लिमिटेशंस या बात नहीं है कि जैसे जेंडर को या सेक्स को या बाकी जो भी आपकी जो बॉडी है इसको डिफाइन आप नहीं कर सकते, उसमें बहुत सी मल्टीपल किस्म की चीजें एट द सेम टाइम चल रही होती है, बड़े सबकॉन्शियस लेवल पर है ये, बहुत डीपर मीनिंग्स है। इस तरह मतलब इस सीरीज में मैंने अपने आप को औरत भी बनाया था, अपने आप को सिंगल पेरेंट भी बनाया था, कि ऐसा बंदा या बंदी जिसका दूसरा पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो वो भी बनाया था। तो मुझे लगता है कि एज अ मेल कि एक मैं मुकम्मल मर्द नहीं हो सकता अगर मेरे अंदर औरत नहीं है, तो औरत मैं सिर्फ मर्द के रेफरेंस में बात करूंगा कि अगर मैं अच्छा मर्द बनना चाहता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी उम्रों की औरतें होनी चाहिए, बहुत सारी उम्रों के बंदे होने चाहिए, तब मैं शायद एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। तो मुझे अपने काम में इश्यूज को खेलने के लिए नहीं इस्तेमाल करता, मैं इश्यू को बड़ा पर्सनल लेवल चीजें, यू नो मतलब माय फैमिली के मेरे बच्चों के नाम भी वजूद इब्ने सदफ, तहरीर इब्ने सदफ, माशाल्लाह। मैंने कहा ना इसका शुरू में बात की थी कि जो मदर नेचर है वो क्रिएटिव होना बेसिकली मुझे लगता है वहीं से शुरू होती है। तो लोग समझते हैं फर्स्ट पर्सन, समझते हैं मैं अपने आप को सेकंड समझता हूं। मेरे काम में इस तरह की चीजें रहती हैं जो बड़ी पर्सनल सी डेफिनेशन है मेरी चीजों के बारे में। नहीं माशाल्लाह, नहीं इनकी जो वाइफ है सदफ वो भी जो है वो भी बहुत अच्छी पेंटर है, अब तो माशाल्लाह वो मास्टर्स कर चुकी हैं या कर रही हैं इस वक्त, बाहर हैं वो, और माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी पेंटर है, मतलब उनकी इंस्टॉलेशन और बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं। इनके जो दोनों बच्चे हैं उनके नाम मदर के साथ है, इन्होंने बड़ा मजे के नाम रखे हैं उनके, वजूद इब्ने सदफ और जो है दूसरा जो है वो क्या है, तहरीर इब्ने सदफ,
बहुत ही खूबसूरत नाम है सर। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप मल्टीपल चीजों के साथ कर रहे हो कि मतलब आप रिलीजन वाइज भी आपके अंदर जैसे सेक्युलर किस्म की जो आपकी थॉट्स हैं कि हर चीज को साथ लेकर चले, ये नहीं कि एक रिजिड उसके साथ है, बाकी वही कि उसके थ्रू फियर क्रिएट किया जाता है मजहब के थ्रू है या जो भी है या बाकी आपके सेक्ट्स हैं या जो मतलब रिलीजन्स हैं या जेंडर है, तो हर तरह से जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसको आप एक अमेलगमेशन की तरह बनाते हो, जिसके मतलब उसके उसके डिफरेंसेस को एक किस्म का ब्रेक कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग दोज स्टीरियोटाइप्स एंड दोज लिमिटेशन। मुझे डिस्टर्ब कर रहे ना शुरू में कि मीडियम किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा, इवन यू वोंट बिलीव कि मेरे बच्चों के इंटेंशन से रखे गए हैं, ठीक है, कि मेरे लिए वो मेरी प्रोडक्ट थी ना, तो मैं उनको किस नाम से जानना चाहता हूँ, तो मैं औरतों का झंडा उठाऊं वैसे, तो उससे बेहतर नहीं कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि वो हमेशा के लिए हो जाए। तो वो जो नाम है दोनों के वो बड़ा इंटेंशनल है। फिर ये कि जैसे अभी मेरी वाइफ पढ़ने गई है मास्टर्स करने, तो अगेन शी इज अगेन लाइक माई आर्ट वर्क, कि अगर मैंने एक औरत को डिवेलप होते हुए देखना है इस सिस्टम में तो मेरे घर में जो बैठी वो क्यों नहीं, तो पहले उसको काम करें ना, उसके बाद वो इंस्पायर करेगी हजारों को, तो व्हाई नॉट चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, तो घर से क्यों ना शुरू करें। तो उस मामले में तो मुझे लगता है मैंने हर चीज को पर्सनलाइज्ड लेवल पे सॉल्व किया, जिस तरह से भी अब लोग उसको जैसे बड़े समझते रहे हैं। पर नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना कि जो हर आर्टिस्ट है उसकी एक पर्सनल अप्रोच होती है टुवर्ड्स हिज वर्क, वेदर इज अ डिजाइनर और एन आर्टिस्ट और फिल्म मेकर व्हाटएवर। और मैं यही बात इनसे कर रही थी, जब आप काम करना शुरू करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि आपकी अप्रोच है क्या, ओवर द टाइम यू गेट टू नो दैट। यू नहीं होता कि पहले दिन ही आपको पता है कि मैं किस तरह का आर्टिस्ट हूँ, मेरी अप्रोच क्या है। यू कैन रीड अबाउट अदर आर्टिस्ट वर्क व्हाटएवर, बट आपकी अपनी अप्रोच क्या है। अब जैसे आपकी अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है कि आप किस तरह हर चीज को ओवरलैप करते हुए और आपस में इंगेज कर रहे हो, उनकी जो सेपरेशन है, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसको ब्रेक कर रहे हो, दैट इज रियली अमेजिंग। प्रॉब्लम पता है क्या, आई थिंक ये बच्चे ना आजकल सबसे बड़ा मसला है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आती है कि उसकी पोल्यूशन शुरू हो जाती है, वो आपके आप दब जाते हैं उसके नीचे, आप टाइम नहीं होता उसमें से कुछ ढूंढने का। आई थिंक दिस टाइम शुड बी टू कलेक्ट, एक कलेक्ट करें जितनी चीज़ें करनी है, उसके बाद द सेकंड स्टेज विल बी टू सेलेक्ट, कि उसमें से आपने कुछ चीज़ें जो काम की आपने निकाल ली है, देन द लास्ट स्टेज विल कम जहाँ आप रिफ्लेक्ट करेंगे, लोग आपसे कहेंगे अच्छे सब कुछ कर लिया, अब आपका क्या है इसमें से। तो इसमें डरे ना पाए, ये स्किप हो नहीं सकती हैं सारी की सारी चीज़ें, ये थोड़ी थोड़ी आपस में उनका ताल्लुक रहेगा हर वक्त। तो कब आपने, जिस तरह मैं कोई काम करता हूँ तो मैं एक स्टेज पर होता हूँ, कलेक्ट कर रहा होता हूँ चीज़ें, इमेजेस अपने लिख रहा होता हूँ उसके बारे में, ठीक है, एक स्टेज में उनको रिजेक्ट कर रहा होता हूँ, एक स्टेज में कहता हूँ ये तीन हैं जिनको मैंने बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं लाइफ के जो आपने पैरेलल रखने होते हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते। तो द बेस्ट वे इज के हाउ यू गोना डील विद ऑल दीज थिंग्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। और आप जस्टिस करना सीखें, देखिए एंड ऑफ द डे अगर मैं नेगेटिव 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 देखता रहूँ तो मैं कलेक्टर नेगेटिव स्टाफ का हूँगा, तो मेरे अंदर से नेगेटिव निकलेगा, तो मुझे जो भी कुछ मेरे आसपास बुरा हो रहा होता है ना, मुझे इसमें मैं उसको दोबारा से नहीं दिखाना चाहता कौन को, लो एक दफा फिर मैं अभी दिखाता हूँ आपको, एक दफा बम कराची में फटा उसके बाद 100 दफा मैं आपके घरों में जाके फाड़ू टीवी पे, ये लो जी ये देखो ये देखो ये देखो। आप मसले का हल निकालें, फियर फैक्टर क्यों डेवलप कर रहे हैं। और आर्ट के अंदर भी एक इंटेलेक्चुअल मुझे करप्शन लगती है कि आप ऐसे इश्यूज जो बेचने के नहीं है बेसिकली सॉल्व करने के थे, उससे सॉल्व नहीं होंगे वो, तो हम अपने मुल्क का एक इमेज ही डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को सिंपथी के एंगल से मनवाना चाहते हैं या एक इंटेलेक्चुअल के रेफरेंस में कि हाँ नजर आती है और इस पर मिलजुल के काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ पाकिस्तान या इस रीजन के बारे में सोचता हूँ, फिजिकली मैं अपने आप को यहाँ रखता हूँ, लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं तो उसकी कोई सरहदें नहीं होती है, वहाँ को पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता, वहाँ वीजा नहीं लेना पड़ता, द होल वर्ल्ड इज योर्स, तो आप पूरी दुनिया में देखे और सोचे क्या हो सकता है। देखिए ये लर्न फ्रॉम है जी बेटा, कुछ बात करना चाह रहे हो जी? यस मैम, अभी हम मैं रिसेंटली एक
वर्चुअल रियलिटी का कोर्स ऑनलाइन ले रही थी, और वहाँ पे मैंने ये जो सर की मैंने पेंटिंग्स देखी जिनमें इन्होंने एक डिफरेंट बॉडी बनाई हुई है अपने लिए, डिफरेंट एवटार में क्रिएट किया हुआ है अपने लिए, तो वहाँ पे भी वहाँ पे वो लोग बताए थे कि वीआर किस किस तरह से यूज़ हो रहा है और उससे क्या क्या फ़ायदे लिए जा रहे हैं. तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वो साइकोलॉजिस्ट उसे यूज़ करें और थेरेपीज के लिए, और उसमें वो जैसे एक वाइट बनने के लिए एक ब्लैक बॉडी बनाएंगे, और जब अपने आप को उस वर्चुअल रियलिटी में देखेगा तो जब वो अपने आप को ब्लैक बॉडी के साथ देखेगा तो उसके उसके अंदर से बायस खत्म होगा. और तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा वो इसके साथ रिलेट करती हुई लग रही है कि सर के कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह से वर्चुअल रियलिटी में भी यूज हो रहा है वो बायस खत्म करने के लिए. लेकिन जो भी था हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं कि रिलीजियस, उससे ये था तो इंसानों के लिए ना, वो डिवाइड या आइडेंटिफाई करना मकसद था, डिवाइड करना नहीं था. तो बेसिक आइडिया तो ये कि ना हर एक को पीस चाहिए, पीस के लिए काम करें, लेकिन पीस के लिए वॉर तो सही सोल्यूशन नहीं है. या उसमें किसी का गला काट देंगे, ये तंग कर रहे थे उसका गला काट दे, मतलब दैट इज़ नॉट द राइट वे. उसको आप थोड़ा सा टाइम दें, चीज़ें मेरा ख्याल है सब्र नहीं है लोगों में. तो अब दुनिया में जिस तरह अभी आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया के एक बड़े गुरु हैं मार्शल मैक्लूहन, उनकी एक सेंग है कि जिस तरह छुरी जब बनी थी तो वो गले काटने के लिए नहीं बनी थी, डायनामाइट बंदे उड़ाने के लिए नहीं बना था. तो मीडिया को एग्जैक्टली उसी तरह प्लेस करता है. वो कहता है कि मीडिया जो है ये इन सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ होगी, और इस पर एक ज़माने में वॉर हो रही होंगी इसकी वजह से, और आज हो रही है कि आप एक रियलिटी जो एक्चुअल है और एक वर्चुअल है, वर्चुअली जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन देते जाएं, खास तरह की लोग वैसे होना शुरू हो जाएंगे, उनकी वो रियलिटी बन जाएगी. क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन को लोग फिल्टर करने का टाइम नहीं है ना, वो समझते हैं ये कोई सच आ रही है, वो सच नहीं है. कोई भी मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ मेरा अपना ओपिनियन है उसके बारे में, ये ज़रूरी नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ. तो आपके पास जब 2, 4, 10 पैरेलल और थिंकिंग होंगी, तब आपको अंदाज़ा होगा कि यार अच्छा मेरी हो सकता 3 बातें काम की हैं. तो एक से गुजारा नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा. और जितने टूल्स आ रहे हैं जो भी कुछ है, लेकिन ह्यूमैनिटी को हेल्प नहीं करते, तो उस टूल का कसूर नहीं था बेसिकली, वो यूजर का था. तो आई थिंक जितना लोग उसको पॉजिटिव उसमें यूज कर रहे हैं, मेरे आइडियल तो वही है, मैं तो उनको एडवाइज करता हूँ. मैंने आपकी जो पेंटिंग देखी 1 dozen, मैंने उसको एक डिफरेंट तरीके से परसीव किया. उसमें मुझे लगा कि जैसा आपने इसको बनाया हुआ है कि हाफ जो बॉडी है वो एक वेस्ट में बनियान में है और वो एक कलरफुल है, तो मुझे लगा कि और हाथ में जो अंडे पकड़े हुए थे और एक ऊपर था, और ऊपर जो आपने पोर्शन बनाया वो एक काफी वेल ड्रेस्ड बंदे का बनाया. तो जो मैंने परसीव किया वो मैंने था कि शायद स्ट्रगल शो किए कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, मतलब आपको अच्छा खासी यू नो मेहनत करनी पड़ती है और फिर आप कुछ अचीव करते हो. तो 1 dozen आई गेस आपने ट्राइज को बताया था जो मैंने परसीव किया. तो मुझे लग रहा है उसने मुझे बढ़ाने में टाइम लेकिन अभी जो आपने कहा था ना कि अंडे को मैं उठा के लेके जा रहा था, बड़ा मुश्किल था, तो वो जो स्ट्रगल में बात आई है वो उन्होंने प्रसिद्ध की आपके काम में. नहीं, आई थिंक वो देखिए होता यही है सोहा, होता सिर्फ यही है कि आप एक अच्छा इमेज या अच्छा शेर वही कहलाता है जिसकी डिफरेंट लेयर्स हो और लोगों को डिफरेंट तरह से वो सुनाई दे और समझ में आए. वो एक लाइन तो नहीं है कि अगर मैं किसी को कहता हूँ यार ये सब बड़े अजीब लोग हैं, और अगर मैं इस जुमले में कहता हूँ कि बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, तो सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, लेकिन एक फिलॉसफी बन गई और एक कुछ भी नहीं बनी, एक महज बात थी. तो चीज़ें वही होती हैं आपके पास, सिर्फ उनको आप रीयूज़ करते हैं, रीसम्बल करते हैं, जिससे कि एक नई उसके अंदर एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देते हैं. इस तरह मोटरसाइकिल की जहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं तो वो दुकान कहीं नहीं चल के जाती, लेकिन जब एक बंदा उन पार्ट्स को जोड़ता है तो वो मशीन बन के चलना शुरू कर देती है. तो द आइडिया इज़ टू यूज़ हाउ टू यूज़ इट. लेकिन हर दफ़ा मोटरसाइकिल नहीं, कुछ और बन जाएगा, अगली दफ़ा कोई और असम्बल करेगा कुछ और बन जाएगा. तो ये एलिमेंट्स को समझना और इनकी वर्थ को जानना कि किस किस तरह काम में आ सकते हैं. आई पर्सनली द वे आई वर्क विद माय मीडियम्स, मैं ये ओपन एंडेड छोड़ता हूँ कि लोगों को लेट पीपल ट्रांसलेट के क्या होगा, लेट दम थिंक. वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है.
जैसे होता है पिक्चर वर्थ, हाँ पिक्चर वर्थ थाउजेंड वर्ड्स है, तो पेंटिंग तो पता नहीं मैनी थाउजेंड वर्ड्स है ना, अ पिक्चर वर्थ थाउजेंड वर्ड्स, लेकिन पिक्चर से ज्यादा पेंटिंग तो बहुत ही लेवल्स पे होती है, इट स्पीक्स टू द ऑडियंस एज वेल ना, कि वो किस लेवल पे उसको समझ रहे हैं। कि आप जब फोटो को फोटो बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि आप एज फोटोग्राफर काम कर रहे हैं, बेशक पेंटिंग कर रहे हैं, तो फोटो का सब्जेक्ट क्या होगा, फोटो किस तरह आर्ट हो सकता है, तब वो फोटो इस तरह उसको कि वो वाकई लगे कि फोटो ही चाहिए था इस जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर फोटो में जो काम हो सकता था अगर वही पेंटिंग में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मिसयूज है किसी एक चीज का, तो वहां कुछ जरूर होनी चाहिए कि जो सिर्फ पेंटिंग में पॉसिबल थी, तब वो पेंटिंग कहलाएगी, तब सोचना शुरू करेंगे। जिस तरह सुरियलिस्ट एक मूवमेंट है, बड़ी बहुत बड़ी मूवमेंट है, उसके अंदर आर्ट लिटरेचर हर चीज पे बड़ा फर्क पड़ा, कि वहां उसने लोगों को, जो हम खेलते थे बचपन में चिड़िया उड़ी हाथी उड़ी, वो हाथी उस पर उड़ता है, क्योंकि बेसिकली द आइडिया ऑफ सुरियलिज्म इज कि जिस तरह एक बंदे का काम उस पर, उसने पाइप बनाया, उस पर लिखा दिस इज नॉट पाइप, तो यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, यू आर टॉकिंग अबाउट अ इमेज, वो इमेज है सिर्फ, वो पाइप नहीं है, तो उसका फंक्शन उससे वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर यह बड़ी डेलिकेट सी बात है कि आप पेंटिंग के फंक्शन को समझें कि वो है क्या, उसमें क्या हो सकता है। पेंटिंग इज अ स्पेस, व्हेन यू से स्पेस, स्पेस मींस ग्रेविटी लेस समथिंग, तो व्हाई यू ऑलवेज प्लेस योर ऑब्जेक्ट्स एक ग्रेविटी में, हम उसकी ग्रेविटी तोड़ सकते हैं, फिर जब हम ऑब्जेक्ट्स को जब ग्रेविटी से निकालेंगे तो स्पेस बन जाएगी, स्पेस के अंदर हम प्लेस करेंगे तो वो कुछ भी बन सकता है, वो लोगों को क्वेश्चन करने में मजबूर कर सकती है कि यार ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पेंटिंग में हो सकता था इसलिए किया हुआ। तो आई थिंक वो एक एंटिटी के तौर पर उसको देखना चाहिए कि स्पेस आपको मिली, एक ब्लैंक कैनवस, एक एम्प्टी एरिया है, अब आपका एक्ट पे वो डिपेंडेंट है, वो जो जंक उठाया पिकासो ने और उसने उसको इस तरह से संभल किया कि वो किसी भी दुनिया के मेटल से ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, वो इसका मतलब उसके दिमाग के अंदर था ना, वो था तो कूड़ा था जब उसने उठाया, लेकिन जब उसने संभल किया तो वो कूड़ा नहीं रहा। तो आर्टिस्ट की डेफिनेशन ये भी होती है कि आप कहाँ से उठाते हैं, बेशक आप चोरी करते हैं ये कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ रखते हैं वहां से आप शुरू होते हैं, तो वहां क्या वो चीज पर्सनलाइज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं हुई। अगर वो इतनी एफर्ट करके आपने एक पाइप से दूसरी पाइप की तरफ बॉल ही फेंकना था, बीच में से गुजारना था, तो वो तो कोई कमाल नहीं था। तो Artistic identity. Like, is there something that you admire in your work? Or there's something like colors or anything that you admire? Or but how you could just define your artistic identity? Yeah, I don't want to actually, to be very honest. Let people decide. I know my right. And that is very precious for me, and I just want to keep it with me. But the people are looking at me, that is more important. I'm more interested in listening. कि मैं बताऊं कि मैं ऐसा हूं या मुझे ऐसे देखा जाए, तो वो मेरे एक्ट से जो भी मेरा एक इमेज बनाएंगे, दैट इज माई इमेज फॉर देम। तो मैं कभी इस उसमें फंसना नहीं चाहता कि मेरी आइडेंटिटी ये हो और ये ना हो, तो वो चाहते ना चाहते वे एक बन तो जाती है, क्योंकि आपका डीएनए बोलिए आपकी जो पेंटिंग उसमें कोई ऐसी जो आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं इन अ सॉर्ट ऑफ योर वर्क, आपके वर्क में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा नेचर में एडमायर करती है, या क्या चीज आपको एडमायर करी है सबसे ज्यादा? वो मैंने बनानी है, मैंने बनाई है अभी वो काम नहीं किया काम कर रहा हूं वो पेंटिंग बनाऊंगा जो आप बात कर रही है सर, सर मुझे पूछना था कि जो आपने ये अपनी पेंटिंग्स बनाई है जिसमें आप अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये आपने अपने आप को उसमें पहले मतलब
उस लुक में अपने आप को कन्वर्ट किया था, या आप ने इमेजिनेटिव मतलब आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि आपने खुद ही क्रिएट कर लिया? मैंने अपने डिफरेंट एज ग्रुप के फोटो उठाए थे उस काम के लिए। ये एक बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि आप किसी सीरीज को या किसी चीज को कंसीव जब करते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये था उसका कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो आई थॉट कि मैं एक क्रिश्चियन बंदा पेंट करूं, एक लेबरर पेंट करूं, एक हिंदू पेंट करूं, एक फनेटिक मुस्लिम पेंट करूं, एक बिलीवर करूं, एक नॉन बिलीवर, इस तरह एक। बट आई थॉट वो तो फिर अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे ना, उनके पीछे कोई एक बात तो नहीं रहेगी। तो आई थॉट अच्छा मैं इसके पीछे बात क्या है जो जिसको मैं यूनाइट करूँ, तो आई थॉट दैट इज मी एक्चुअली, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वाई नॉट मैं ये सब कुछ करूँ। तो मैंने उसके लिए सारे अपने फोटो क्लिक किए जितने भी पुराने थे। उससे पहले मैं इमेजेस ढूंढ रहा था कि मेरे नज़दीक एक बिलीवर की शक्ल क्या होती है, ठीक है, या एक सिंगल पेरेंट होगा तो वो किस तरह से होगा, क्या होगा वो। तो मैं अपने सिस्टम में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ दिन में, तो आई वाज जस्ट सर्चिंग कि कौन किस तरह के कैरेक्टर थे मेरे लिए सारे के सारे। तो फिर मैंने उसमें से कुछ चीज़ें फोटोग्राफ लेके पुराने और कुछ चीज़ें मिक्स करके उनको, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें इमेजिनेशन से ही हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस यही था उसका। इतना मैंने जो अपना अपना औरत बनाना था तो मैंने सदफ का फोटो और अपना फोटो लिया। अच्छा, तो इसमें कुछ चीजें ना मैं इसकी अगर आउटलाइन रखूं और इसकी आंखें अपनी डाल दूं उसमें और आधे होंठ इसके बना दूं आधे अपने और कुछ कर दूं, तो वो एंड पे वो सदफ और नईम कुछ मिक्सा लग रहा था। क्योंकि मेरे घर में मेरे लिए जो औरत थी जिसको मैं सबसे ज्यादा जानता था मेरी बीवी थी। हम एक दूसरे की जिंदगी में इतना इन्वॉल्व होते हैं एज मदर फादर, मियाँ बीवी और जो भी रिश्ते होते हैं, कि एक दूसरे का इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही है, नहीं कि जी जी कोई और पूछना चाह रहे हैं या मैं का क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही थी मैम, मेरा इंटरनेट कनेक्शन था इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि जैसा मैंने जो कॉन्सेप्ट था उसके डिफरेंट तरीके से परसीव किया, डजन एग वाला था, तो जैसा हम लोग कुछ भी पेंट करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पेंट करते हैं, तो हम लोग इतना मतलब आर्ट वेग होती है, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट पे कि मैंने इसको डिफरेंट तरीके से परसीव किया है, तो ये हमारे आर्ट वर्क को अफेक्ट नहीं करता? आपकी पेंटिंग ने अगर वो जो आइडिया था एग्जैक्टली ए फॉर एप्पल और उसके सामने एप्पल बना के, अनफॉर्चुनेटली हमारे जिन लोगों ने मिनिमलिस्टिक उसमें काम किया है तो वो आइडिया समझाने के लिए था, लोगों ने उसको वैसे कॉपी करना शुरू कर दिया। ए फॉर एप्पल अगर मैंने लिखा तो वो तो इलस्ट्रेशन में हो रहा था ना, अगर मैं उसको पेंटिंग में बना दूं दोबारा, तो एक दफा अगर किसी ने कर दिया कि हाँ ये सब्जेक्ट पेंटिंग में इस्तेमाल में आ सकता है, इसका मतलब नहीं सारे पीछे पड़ जाएं। अब हमारे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी एक ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं उस सिस्टम को जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड होता है। पूरी दुनिया में म्यूजियम में या जो नॉन आर्टिस्ट होते हैं हम कहते हैं बस अब ये आर्ट की डेफिनेशन बन गई, वो उसकी थी, वो आपकी नहीं थी। ये अप्रोच रखना कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो 100% व्यूअर तक पहुंच जाएगी, कोई जरूरत नहीं पहुंचाने की उसको, उसको वो बात पहुंचाने में वैसे मुंह से बोलते हैं उसको, और उसके लिए मीडिया क्या है करोड़ों लोगों से बात करने के लिए? पेंटिंग करोड़ों लोगों से बात नहीं करती, और वो आइसोलेशन में बात करती जब आप नहीं होते हैं। तो उसके अंदर मतलब वो गुंजाइश होनी चाहिए कि एक अच्छा म्यूजिक जो है वही होता है जो किसी इंसान ने तो बनाया है एक सिचुएशनल म्यूजिक, वहाँ आपको रोना आता है फिल्म में जब देखते हैं उस म्यूजिक पे, लेकिन आप फिल्म के अलावा उसको देखेंगे सुनेंगे तो कुछ और होगा म्यूजिक, और हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो उस राग में कि वो आपको उदास कर दे। तो आप उस टाइम परसीव करने के मूड में ना हो तो आप हंस रहे हो ये क्या बनाया है। तो आप समझाने के लिए भी ना एक जस्टिस अपने आप को माइंड मेकअप करना पड़ता है अपना भी। तो ये सारी चीजें समझने या समझाने के लिए ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका रिजल्ट इतना ट्रेंड है, यहाँ तो लोगों को पढ़ना नहीं आता, उनको पेंटिंग क्या दिखानी है। उसको एक इंटेलेक्चुअल एंटिटी के तौर पर देखें और आप समझें कि ये आइडिया है और आइडिया की इतनी लेयर्स हैं कि उसमें से कोई कुछ भी निकाल नहीं। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैमा कि व्हाई डू यू यूज ज्योमेट्रिक शेप सो मच इन योर पेंटिंग्स, इज देयर अ रीजन अपार्ट फ्रॉम सिंबलिज्म? या इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिंबलिज्म बिकॉज़ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड व्हिच इज मैन मेड, वी क्रिएटेड इट एंड दैट इज नॉट ऑर्गेनिक अनफॉर्चूनेटली।
बॉडी इज ऑर्गेनिक और एक जो सराउंडिंग होती है वो दैट इज मैकेनिकल. हम 99% मैकेनिकल घूम रहे होते हैं एंड एट वन स्टेज आपको डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, यू ऑल्सो बिहेव लाइक चेयर और टूल और मशीन और आयरन. तो हम वैसे रहते हैं क्योंकि इतने ज्यादा सराउंडेड हैं. तो जो एक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक सीरीज थी वहां से शुरू हुई थी. ऑल द मेरे काम में बहुत थीसिस से ही है ये लाइनें कि एक्सिस जो है एक्स एंड वाई, उसको जब मैं देखता था बिल्डिंग जो हमें ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी कि ये गोल्डन सेक्शन रेक्टेंगल है ये है वो है, तो मैं सोचता था यार ये आर्ट करने के लिए इतनी मुसीबत क्यों डालते हैं कि पहले ये करो ये करो फरार. तो फिर मैंने पेंटिंग डाइसेक्ट करना शुरू किया, ऐसे नहीं यार किसी ना किसी ज्योमेट्री पे ही बेस्ड है सब, कोई एस्थेटिक्स का ताल्लुक है. फिर बिल्डिंग्स आप पिलर छोड़ देते हैं, आप उन पिलर से अंदाजा हो रहा होता है कि ये बिल्डिंग अभी और बननी है या किस तरह की बनी है. तो होती है कुछ, तो मैं अपनी लाइनों में वो डायरेक्शन लाइंस के साथ कुछ चीजें हिंट डाल रहा होता हूँ उसके अंदर कुछ काम. तो बेसिक आइडिया उसका यही था. नहीं बस इसी से कनेक्टेड उसने आगे क्वेश्चन पूछा जो कि मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है. एंड हैव यू स्टिल टिल डेट मेड एन आर्टवर्क दैट डज नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, मोर लाइक अ आर्ट डम. उसको आर्ट डम कह रही है मतलब डिवॉइड ऑफ मीनिंग, कोई ऐसा आर्ट डम तो नहीं कहना चाहिए उसको, डिवॉइड ऑफ मीनिंग कोई होगा. पहली बात तो है कि जितना मिसयूज ये कॉन्सेप्चुअल आर्ट पाकिस्तान में किया जाता है ना कहीं नहीं किया जाता. सही बात है. द आइडिया इज कमिंग एंड दे जस्ट कॉपिंग, दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. अगर किसी ने एक पत्थर बनाया है और किसी बना रखा हुआ है पत्थर, तो उनको सिर्फ इमेज नजर आ रहा है, पढ़ते भी नहीं क्यों बनाया है किस लिए बनाया. Exactly. तो कहते हैं अच्छा ऐसे कर लोगे तो आर्ट हो जाएगा. तो कुछ जो चीजें हैं जो आपने समझनी है, तो वो समझने के लिए कुछ और एरियाज हैं, जब तक आप उन्हें नहीं पढ़ोगे तो महज ये जो लाइम लाइट में जो चीज होती है आप उसको वैसा करना शुरू करते. तो हम मोस्टली क्योंकि पढ़ते नहीं देखते हैं, तो देख के हम कॉपी करेंगे ना उसे. एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो. आंख विजुअली से ट्रेन हो रही है लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली तो ट्रेन हो ही नहीं रहे उससे, क्योंकि exactly. वो तो कहीं था, वो उस लेयर को तो अपने छुआ भी नहीं ना. बिल्कुल. वो मुझे लगता है पर्सनली कि मैं कभी भी, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ सोचने में, मुझे पेंटिंग बनाने में टाइम नहीं लगता, मैं सोचने में बहुत टाइम लगाता हूँ. पेंटिंग बना रहा हूँ, आप जरूर आइएगा इस्लामाबाद में, शो हमारा है फरवरी में. मिड फरवरी में. अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह विल विजिट. ये एक और क्वेश्चन मजे का यही जो अभी आप बात कर रहे हो से रिलेटेड पूछ रही है कि एवरी आर्टिस्ट इज हिज ओन वर्स्ट क्रिटिक, सो फॉर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू डिसलाइक द मोस्ट अबाउट योर ओन वर्क आर्टवर्क. अभी किसी ने सवाल किया था कि आपको कौन सा काम पसंद है, मैंने कहा बनाना है. कुछ नहीं बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आया अपना. देखिए हाँ. अगला काम होता है इस वजह से क्योंकि मेरा एक में तसल्ली नहीं होती, तो मुझे हाँ. लगता है कि वो जो तसल्ली ना होना है मुझसे अगला काम कराता है. हाँ, that is a drive to work more. ये बिल्कुल ऐसे ही है. तसल्ली होती है like equal to death यार, उस एक पेंटिंग बना के मैं नहीं, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं एक पेंटिंग बना के बड़े अरसे तक उसी के साथ रहती हूँ. क्लासमेट्स हैं उनको पता है कि मैं कैसे काम करती थी. लेकिन वो अच्छा सर, व्हाट इज योर आर्टिस्ट आइडेंटिटी. सर ने अभी यही बात की कि आप वो डिफाइन नहीं करते, आप एज विजुअल उनको कैसे देखते हैं काम को, तो आप भी डिफाइन करिए. यानी कि ये रीडिफाइनिंग चलती रहती है, अपने आप को आप कॉन्स्टेंटली रीडिफाइन करते रहते हैं और आपके देखने वाले भी, यही चीज होगी ना. ठीक है, हर दफा जो आप काम करते हैं उसके लिए उसका एरिया फर्क होता है और उसके अकॉर्डिंगली इट्स लाइक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट यू चेंज योरसेल्फ एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, दैट्स हाउ यू ग्रो. तो आप जब मुझे अभी जो रिसेंट मैंने प्रोजेक्ट किया था कराची में, उसमें मैंने कोई 3-3.5 टन मिर्चियां इस्तेमाल की थी. एग्जैक्टली वर्ल्ड की, मतलब आई डोंट नो बट क्लोज टू इट के वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर इंस्टॉलेशन थी. वो पॉसिबल नहीं थी, मतलब बगैर कुछ लोगों के, जब तक मुझे इतनी मिर्चियां ना मिलती, सारा सब कुछ ना मिलता, तो उस टाइम जो मेरा दिमाग चल रहा था वो बस मुझे से मिर्चियां नजर आ रही थी उस वक्त. एग्जैक्टली. और मैं जब उस प्रोसेस से गुजर रहा था तो मुझे लास्ट सेकंड तक नहीं पता था मैंने करना क्या है उनका. Exactly. वो खोपड़ी में मेरे थी और वो मेरे साथ जब आ मेरे एक दोस्त थे वो भी थे, तो ख्याल था कि मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ ये बात और मुझे पहले से पता है.
बिलीव में मुझे नहीं पता मुझे वाकई नहीं पता क्या इनकी एक्सप्रेशन बहुत खूबसूरत है जरूर देखिएगा आप इमेजेस उनकी जो है कराची बिनाले में थी 2019 था ना शायद कराची बिनाले 2019 में बहुत ही अच्छा काम है विश्लेषण बहुत बड़े ही लॉन्ग पाथ के ऊपर है मिर्चे ही मिर्चे और हमें वेदर कंडीशन का भी बहुत फर्क पड़ता था ना बारिश हो जाए हवा चल जाए तो उसको संभालना उसको दोबारा से रीअसेंबल करना उसमें जो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगा हो सकता है बच्चों को हेल्प मिले ये मैंने शुरू की थी इसका एक पहले छोटा प्रोजेक्ट मैंने किया था कहीं वीडियो के साथ स्टॉप मोशन फिल्म बनाई थी मैंने बेसिकली उसमें था कि जो हरी मिर्चियां जब वो सूखती हैं तो लाल होती हैं तो वो आहिस्ता 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 वो सारी लाल हो गई थी क्योंकि पहले मैंने लाल और हरी मिर्ची से बनाया था सारा सब कुछ लेकिन जो हरी थी वो भी जब ड्राई हुई तो सब लाल हो गई थी तो फ्रॉम अ डिस्टेंस लुकिंग लाइक अ रेड कार्पेट बट रेड कार्पेट प्लीज तो आपका जो स्टेज होते हैं वो इतना आसान नहीं होता और कराची इंटेंशन थी कि लोग मेरे आर्ट पे ना टाइम लगाएं तो मैंने टाइम उनसे फिजिकल टाइम ले लिया कि चल के देखेंगे जब तक 500 गज चलेंगे नहीं तब तक मेरा देखेंगे नहीं एग्जैक्टली टाइम वाज फिनोमेना एंड टाइम वाज आल्सो फिनोमेना ऑफ द प्रोजेक्ट के एंड ऑफ द डे शुरू में तो बड़ा ऑर्नामेंटल सी लगती थी लेकिन एंड पे वो तकलीफ दे सी लगती थी लाल लाल सारी उसमें बॉडीज बनी हुई थी कुछ और कुछ में सिंबल बने हुए थे इट टेक्स टाइम कुछ उसमें जो रंग मैंने यूज किए थे वो पॉलिटिकल जो हमारे फ्लैग्स पार्टीज के होते हैं उनसे ड्राइव किए थे बैड टाइम तो आप जहां उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां होती हैं बड़ी जिंदगियां जाया होती हैं तब जाके आप पहुंचते हैं वहां पे शहर या मुल्क के बनते हैं एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे आपसे मैं ना पूछ रही हूं फिल्म बनानी है वो 3 आवर्स की जो होती है प्योर कमर्शियल सिनेमा पता क्या है कि पाकिस्तान में जो ना आर्ट अवेयरनेस जो है एजुकेशन के रेफरेंस में दैट इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट कि इसलिए मैं फिल्म कह रहा हूँ कि फिल्म इज अ ग्रेटर मीडियम टू एजुकेट पीपल स्पेशली कम बट अगेन द वे यू आर यूजिंग इट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अब उस मीडियम को हम यूज नहीं कर पाए आज तक स्क्रीन पे बात कर रहे हैं ना तो एक एजुकेशन मीडियम तो उसमें जिस तरह 3 इडियट फिल्म थी फॉर एग्जाम्पल थी या और उसके कुछ प्रोजेक्ट हैं आमिर खान के तो मैं चाहता हूँ कि इसको एजुकेट इस तरह से इसको एजुकेशनल मीडियम के तौर पे ना एजुकेशन में चेंज लाने के लिए कि मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कोई गरीब ना हो ठीक है मेरी ख्वाहिश है कि जेंडर बायस ना हो एजुकेशन पूरी हो लेकिन इन सबकी हेर फिर के मुझे लगता है कि जब तक एजुकेशन पूरी नहीं होगी ये बाकी ख्वाब ही रह जाएंगे इस मुल्क का हर बच्चा बच्ची पढ़ी लिखी हो और अगर आप में से कोई बच्ची रात के 3 बजे आ रही है तो वो इतनी ही सेफ हो जितनी अपने घर में होती है Exactly. नहीं एक और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ I have your art and you have made a series. अच्छा वो देखिए उसने कि you have made a series on women and a very particular type of baby and that baby is lying in a very unnatural position. Why is that? So and what is the concept behind it? मतलब unnatural position तो क्या लेकिन आपका जो baby का concept है जो doll type का वो मुझे भी बड़ा intriguing लगता है वो क्या concept है इसमें? बड़ा अच्छा सर है. बेसिकली मैं बेबी को जब भी यूज करता हूँ ना डॉल को कश्माला कुछ पूछ रही है क्लियर नहीं आ रही आवाज वो एक जगह पे ना बेबी जो था वो टूटा हुआ पड़ा था लाइक डॉल टाइप हाँ टूटा वो बहुत हाँ एग्जैक्टली मुझे बहुत पसंद है वो मैं असल में मेरे ना ये पीछे भी एक इमेज लगा हुआ है इसके अंदर भी बेबीज वही वाला बेबी है जो टूटा हुआ था हाँ एग्जैक्टली वो जो लाइन क्रॉस कर रहे वो बेसिकली मैं हमें खेलने के लिए ना बहाने चाहिए होते हैं स्टोरीज चाहिए होती हैं हमें को प्रोडक्ट चाहिए होती है तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज भी ना ऐसी लगती हैं कि कहते हैं ना दुनिया में तरक्की वो लोग करते हैं जिन मुल्कों में कहानियां होती हैं जो बचपन में इन्हें अच्छी कहानियां पढ़ी होती हैं कि आपकी इमेजिनेशन उससे ओकेशन के खास तरह के दरवाजे खुलते हैं तो मुझे जो डॉल का फिनोमेना है वो बड़ा सिम्बॉलिक लगता है कि अब मैं अक्सर जब भी एंजल बनाता हूँ तो वो डॉल वाला एंजल होता है वो रियल जिस तरह ग्रीक मैथोलॉजी में इस तरह इस्तेमाल में आया वो नहीं है मेरा वाला डॉल मेरा जो एंजल है वो सेल्फ क्रिएटेड है वो मुझे लगता है मैंने अपने खुद को अपने आपको तसल्ली दिलाने के लिए ना अपना एंजल खुद ही बना लिया तो वो सेल्फ क्रिएटेड अगर मैं उसको रियल बेबी बनाता तो वो सेल्फ क्रिएटेड ना लगता तो वो एक ड्रीम शटर करने का जो था ना जो उसमें टूटा हुआ था अगर उसमें लड़की है और हवा में उसके पीसेज उड़ रहे हैं
तो बेसिकली एक बच्चे की जब कोई चीज टूट जाए पसंदीदा, तो वो बहुत वो होती है, तकलीफ की बात होती है उसके लिए. एंड सेम विद अ वुमेन कि आप बेबी अगर आपका ना रहे, लूज हो जाए, तो द काइंड ऑफ यू नो एक सिंबलिज्म आई वाज यूजिंग कि वो लूजिंग समबडी, और एक औरत के लिए उसके बेबी से बढ़ के शायद कोई बड़ी क्रिएशन नहीं हो सकती. तो उसमें वो एक आइडिया था टू लूज समथिंग. बड़ा मदरहुड वाला कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा मदरहुड वाला कॉन्सेप्ट यूज किया. मदरहुड बाप बाप कम है. फादर का कोई और भी क्वेश्चन पूछा है किसी ने? पोर्ट्रेट्स इन योर आर्ट वर्क आर लुकिंग सैड. It's related to life incidents or experience or something else. That's a grainy thing in your art. What is that about? Thoda sa wo grains type ki bhi jo aapke images hain, ya zara ki wo to different aapke wo hai na ye mujhe design art zyada bachche usme wo chale jate hain na ki kya ho raha hai. Mujhe lagta hai hansi jo na wo action ek act hai, aap pretend karte hain aur bahut thodi der ke liye bas sakte hain, lekin aapki normal शक्ल होती है जो नॉर्मल या जिसको आप सैड, मुझे नहीं लगता कि शक्ल से कोई इसका ताल्लुक है. अगर मैं इस तरह बैठा हूँ, हो सकता है बहुत हैप्पी हूँ, बहुत सैड हूँ, आपको कैसे पता लगेगा? जबरदस्ती मैं हंस के बताऊँ आपको, और जो हंस रहा है क्या गारंटी है कि वो सैड नहीं है? ये मास्क है. तो मुझे लगता है कि जिस मास्क को हम ज्यादा कैरी करते हैं वो साइलेंट है ज्यादा, क्योंकि खुशी का ताल्लुक आपकी शक्ल पे एक्सप्रेशन लाने से नहीं है. मतलब मैं अकेला बैठा हुआ हो सकता हूँ ना, ये जरूरी कि मैं जाके नाच के दिखाऊं सबको. तो जो इमेजेस होंगे मोस्टली जो अर्ली काम में थे या कुछ सीरीज में थे, मैंने प्रोफाइल यूज किए थे, वो एंडोजिनस फिगर्स थे कि उसमें मेल फीमेल भी नहीं पता लगता उसके अंदर. वो भी अगेन उसी आइडिया पे था कि यार ये क्या लड़ाई है किस बात की. मुझे वो कुछ है, मतलब मुझे बड़ा फैशन सा लगता है हंसना, कि जिस तरह आप रहने के लिए हंस के दिखाना है तो आप लगे खुश है. अच्छा मैम एक और क्वेश्चन भी पूछ रही है. व्हाट इज द वन थिंग यू वुड नेवर वांट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर पर्सनालिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्रॉम योर आर्ट वर्क? यार मैं, मुझे तो जो कुछ मिलता है अपने अंदर मैं बाहर दिखाता हूँ सबको. कुछ करने पड़ता है. आई वर्क इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल, आई शेयर माय स्टूडियो विद अदर आर्टिस्ट. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं अकेले बैठ के पता नहीं बॉम्ब बना रहा हूँ या पता नहीं मैं क्या तब्दीली लाऊंगा. मेरे प्रोसेस में लोगों को समझना चाहिए, किसी को विटनेस होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है. क्योंकि मेरे पास ये ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को काम करते हुए देखूँ, तो मैं नहीं देख सका था. तो वाई नॉट, आपको पता सर आसिफ कमरे में घुसा होता था, दूसरे आर्टिस्ट से मिलने जाया करता था, तो एक विश थी. तो मैं कहता हूँ वाई नॉट आई शुड बी अवेलेबल, मैं काम करूँ. तो मुझे कोई हर प्रोसेस में कोई भी आके देख रहा होता है. तो मैं कुछ, मुझे तो खुदा नहीं लगता कि जिस तरह हमें कुछ दे के भेजा है, अगर हमने शेयर नहीं किया तो हमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है. उसके बाद अच्छा था बुरा था मुझे ब्लेम दे सकते हैं कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन आई थिंक शेयर करना जरूरी है, क्योंकि शेयर करने से आपकी करेक्शन भी हो सकती है. जब तक आप कहेंगे नहीं तो लोग गलती कैसे निकालेंगे? वो डिसएग्री करेंगे ना ज्यादा ज्यादा आपसे, तो कोई बात. और आप बिलीवर हैं उसके लिए करते रहे आप. तो आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग, आई वांट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग. आपने उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ. आप प्लीज मुझे उसमें थोड़ा सा बता दें कि आपने कॉन्सेप्ट क्या यूज करके पेंटिंग्स बनाई है. आपकी काफी रेंज है नहीं, पॉलिटिकल भी है, जेंडर पे भी है, रिलीजन पर भी है, बहुत ही मजेदार मतलब शिफ्ट्स हैं. और वही बात के फिर वही आ जाती है बात कि कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ ये. हाँ ये कि वही सबमर्ज्ड और सबकॉन्शियस और बाकी बहुत ही चाइल्डहुड टाइप की मेमोरीज या चाइल्डहुड विशेस या समथिंग उस तरह की भी चीज है. एग्जैक्टली दिखाइए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नजर आ रहे नहीं आपको? जी जी नजर आ रहे मुझे, मुझे मेरा काम हाँ, हाँ याद हूँ. हाँ आपको क्या लग रहा है इसमें, इसका टाइटल लेसन? आपको क्या लग रहा है इन सब में से कौन किसको पढ़ा रहा है या कोई समझा रहा है? बेटा बताएं क्या जहन में आता है इकरा आपके? सर मुझे इसको देख के मतलब ये फील होता है कि लाइक एक स्ट्रीम भी बीच में बनी हुई है,
कि एक मतलब जिस तरह मदर होती है वो किसी चाइल्ड को सिखाती है कुछ, मतलब छोटे बच्चे को, और वो मतलब शिफ्ट भी बनी है, वो यही कर रही है कि आपको बहुत से मतलब गुजरना पड़ता है लाइफ के मतलब हर फेज में से, और मतलब कोई एक सिखाने वाला होना चाहिए, अगर कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो आप मतलब पजल हो जाएंगे, और पीछे नेचर वगैरह ये सब शो कर रही है, तो मुझे ये सब समझ आया था, लेकिन वही मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, और भी कॉन्सेप्ट थे कि इसका एग्जैक्ट मतलब ये पेंटिंग क्या कन्वे कर रही है मीनिंग, तो वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था। मतलब मेरे जितने भी काम है उनके तो जब भी मैंने बच्चा बनाया ना, तो बच्चा मैंने एज टीचर बनाया, एज स्टूडेंट नहीं बनाया। इसके अंदर राइट लेफ्ट पे प्लेस हुआ बच्चा और वो ऊपर देख रहा है, और उसके आगे एक बड़े की गर्दन झुकी हुई है, जो बड़ा है वो मर्द है औरत, एंड्रोजिनस उसका कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो उसके आगे झुकी हुई है, तो एक सिंबल जो गर्दन उठा के बात कर रहा है और जिसने गर्दन झुकाई हुई है, इट्स नॉट ओनली अबाउट साइज, नीचे और ऊपर की बात है, सिंबॉलिकली जिसने गर्दन झुकाई है वो सुन रहा है बेसिकली। सर इससे ऐसे भी लग रहा है जैसे वो शर्मिंदा सा है करेक्टर जिसने गर्दन झुकाई हुई, जी तो व्हाई दैट, अब इसके शर्मिंदा क्यों है? इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नेचर से ड्राइव्ड है, सिवाय बोट के, बोट हैंडमेड है, मतलब आपने खुद बनाई हुई है, कागज की कश्ती। अब वो सिंबल ऑफ ट्रेवल है, सिंबल ऑफ होप है, कागज की कश्ती क्या हो सकती है, वो सिर्फ सिंबल ऑफ है ना, लेकिन होप ऑफ व्हाट, ट्रेवल, गो फ्रॉम हियर टू समवेयर। ये आइडिया ऑफ नोआ है, जो नोआज आर्क का जो आइडिया है वो भी बिलीव का था ना, ट्रस्ट का था, उसका मेटाफर यही है कि you have to listen to somebody, अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो it was not कि उतना physical उसमें नहीं है, उसको सोचने की जरूरत सिर्फ कि अगर आप believe करते हैं, trust करते हैं तो आप उसमें बैठेंगे ना कि आप बच जाएंगे, अगर उस आर्च में बैठेंगे उसमें, फिर वो जो हिस्ट्री है कि कपल्स में लोग बैठे थे जाके उसके अंदर, तो यहाँ पे वो जो बीच में पानी का एक डायरेक्शन, वो अगेन इन्फिनिट की तरफ जा रही है वो लाइन, तो वो ट्रेवल खत्म नहीं हो रहा कहीं पे भी। चीजें ये मैंने काफी जगह इस तरह की चीजें इस्तेमाल की है, बेसिक से रोल रिवर्सल भी है कि जैसे बच्चे से आप लर्न कर सकते हैं, या बाकी उससे भी बड़ा लर्न कर सकता है, ये नहीं पावर। मैं बच्चे को ना न्यू डीएनए समझता हूँ, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अगर कुछ है तो वो आने वाला है ना, पुराने हो गए आप पे, आप पे तो बहुत कुछ हो चुका है, तो उसके अंदर जो फ्रेशनेस है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है, वो बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम जो भी होता है हम उसको खराब कर देते हैं पढ़ा पढ़ा के, उसको उसे खुद पढ़ने हम जब पढ़ाते हैं तो हम वी आर पेड टू टीच देम समथिंग, बट पेड टू लर्न, एग्जैक्टली दे शुड लर्न, उन्हें पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा। क्वेश्चन है, हम तो माइनस में 0.01% भी आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला रहे, लेकिन आप ला सकते हैं, तो एक वो जो भी है, तो बेसिकली कहीं से एक आइडिया नहीं था कि हाँ पढ़ना लिखना जरूरी है, दैट्स इट, अगर इतना एजुकेशन सिस्टम देता तो बहुत है, लेकिन बाकी जिम्मेदारी आप पे है। अगर मैं उनकी क्लास में था, ये शी नोज मी वेरी वेल, कि मेरे तो आज मैं इतना बोल रहा हूँ पेंटिंग थी उसमें ना, पेंटिंग में तीन फेजेस दिखाई हुई थी, तो उसके बारे में मैं जानना चाह रही थी कि आपने उसमें क्या शो करना है कि ट्राई किया है, तो वो ये वाली पेंटिंग है, ये वाली सर, मतलब इस पे पहले रेड कलर है, फिर वो मतलब फ्लाई कर रहा है बेबी, और फिर चेंज हो गया नेती, और नीचे स्टेयर्स भी हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रही थी कि इसमें मतलब बेसिकली शो क्या हो रहा है। यार ये बड़ी गजीब सी स्टोरी है इस पेंटिंग की। मैंने ये खातून, मेरी दोस्त है, मैं कमीशन काम नहीं करता, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ, तो ये खातून आई थी मेरे को काम खरीदने के लिए, तो आई डोंट नो बट आई थॉट आई शुड पेंट हर, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने मैं आपको पेंट करता हूँ। अच्छा, तो मैं उसको बड़ी एक्साइटेड थी, तो मैंने कहा अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप ना लें बिल्कुल, बट मैं आई प्रोमिस कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक दफ़ा, और दो हफ्ते इंतजार करूंगा, और अगर आपका जवाब नहीं आया तो मुझे लगेगा आपको पसंद नहीं आई, तो आप ये ना, तो मैं बनाऊंगा अपने तरीके से ना, कि जैसे मेरा दिल करेगा। तो ये खातून है जिसने पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो बेबी, जो आई थिंक टेस्ट ट्यूब बेबीज है, इसके जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, इसके हस्बैंड है वो। अच्छा, हमीद लतीफ में ये लोग लेके आए थे इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे। अच्छा, तो
अब ये मेरा ख्याल उसकी वाइफ है, लेकिन मैं उस फैमिली को जानता हूँ, तो मेरे जहन में जब भी मैं इसको सोचता था ना, तो वो आते थे एक ऐसी फैमिली से जहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बेबी, और तो वो एक बड़ा एक एक ट्रस्ट और एक बड़ा अजीब सा एक चैलेंजिंग सा फिनोमेना था एक्सेप्ट करना कि साइंस कहाँ पहुंच गई, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इसमें एक रेड बेबी है, और जब मैं जब स्टेयर्स यूज करता हूँ तो मैं वो फाइव एलिमेंट के तौर पर इनके स्टेप्स कभी गिनिएगा पांच होंगे, तो वो जब पांच रुकन या पांच पिलर्स और पांच ये और पांच वो, तो वो एक सिंबॉलिक सेट टू बी समवेयर। तो अचीविंग दैट यू नो प्रोडक्शन बेबी और जो फिनोमेना था सारा का सारा, वो आसान नहीं, वो उसके लिए ट्रस्ट और उसके लिए खास नॉलेज खास स्टेटस चाहिए होता, तब जाके आप ये कर सकते हैं। Exactly. तो लड़की अगेन की भी गर्दन थोड़ी सी नीचे और आंखें इसकी भी बंद है, एक्सेप्ट दैट रियलिटी। लेकिन वो एनवायरमेंट काफी टफ सी, अगर आप देखें तो सिर्फ एक रेड बेबी और बाकी दूसरे हैं जो लग रहे हैं फ्लोट हो रहे हैं जा रहे हैं, तो ये एक है जो किसी और रंग का है बीच में, तो वो एक सुरलिस्टिक सी एनवायरमेंट क्रिएट की थी, तो मुझे सीधा सीधा पोर्ट्रेट नहीं बनाना था उसका। उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड उसको खुद भी नहीं पता है बात वैसे, तो उसका जर्नी मैंने उसका टाइटल था इसका, अगर आपको शायद याद हो। अच्छा, जर्नी मेरे काम से काम हुआ टाइटल। ओके सर, थैंक यू सो मच। और एक और पेंटिंग भी है, वो हॉर्स वाली, और बीच में से वो थोड़ा सा बेक हुआ है, और उसकी बैक साइड पे एक हेड है। हाँ, वो ये उन दिनों की है जिन दिनों रोहंगना रोहंगना वाले वो चल रहे थे ना, अच्छा, मार रहे थे लोगों को। अच्छा, एक बुद्धिस्ट है वो मेरे नजदीक, मैं वहां रहा भी हूँ श्रीलंका में, तो वो बड़ा मुझे बुद्धा को भी देखता हूँ जो उसकी सेइंग आप पढ़ते हैं उस फिलोसफी को, तो वो बहुत पीस का सिंबल है बुद्धा, सरेंडर का, पीस का। लेकिन उसके प्रैक्टिशनर्स ने क्या शक्ल बना दी थी कि आप सोच नहीं सकते थे कि एक बुद्धिस्ट ये कर सकता है, इंसानों को काट सकता है। और हमारे यहाँ जिस तरह मैंने म्यूजियम में देखे तो हेड जो है चॉप किए हुए मिलते हैं अक्सर आपको इस रीजन में, कि हेड जो सर्टन बिलीव के अंडर, तो वो, लेकिन उसके गर्दन भी कटने के बाद उसकी सेरेनिटी जो है पीस नहीं गया चेहरे से सारी। तो उन दिनों मैंने कुछ बुद्धा वाले इस तरह के इमेजेस बनाए थे, और क्योंकि यूरोपियंस भी था एक टाइम उसका सिंबॉलिकली, वो कहते हैं जब वो पैदा हुआ तो पता नहीं कितने हाथी कितने घोड़े पैदा हुए थे, समथिंग लाइक दैट। और ये जो पेट इसका घोड़े का कटा हुआ है, अगर मैं सिंपल नैरेटिव कहूँ तो वो ये कि पेट कटा हुआ घोड़े का हुआ भाई है। तो इसके बारे में ये भी है बुद्धा के बारे में कि उसने अपनी सब चीज जो है वो जो प्रिंस होना भी त्याग दिया था, और अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, और वो गंदम के चंद दानों पर जिंदा था। तो वो इस तरह का सिंबलिज्म है इसके साथ जो है। लेकिन अगेन प्रिंस, अगर आपका आइडिया ऑफ बीइंग क्लियर है तो वो अपने आइडिया से जिंदा है, वो प्रैक्टिशनर उसको नहीं मार सकते जो प्रैक्टिस कर रहे थे गलत। Exactly. मेरे ख्याल में that's enough for this session. आज हमने काफी बात की और बहुत डिटेल में, और बहुत लर्न किया। I hope कि आपने बहुत लर्न किया होगा सर से, and sir in terms of concept भी, कि कैसे उन्होंने किस तरह काम किया हुआ, किस रेंज में, और मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ वही पेंटिंग तक लिमिटेड नहीं है, वो जो आपकी जो लाइफ है रियल लाइफ उस पर कैसे अप्लाई होता है। तो जी अभी मेरी भतीजी भी आ गई है मेरी यहाँ पे, हेलो बोले। हेलो 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 वो हमें अब फैमिली टाइम भी हो गया मेरा, तो थैंक यू सो मच नईम फॉर कमिंग फॉर दिस सेशन। इंशाल्लाह फिर कभी आपको बुलाएंगे, लेकिन आप अपनी जो एग्जीबिशन है उसको जरूर बताइएगा। वी विल इंशाल्लाह विजिट दैट इन फरवरी। अगर वहाँ पे इंस्टा पे ज्वाइन कर लें तो उसमें कोई ना कुछ अपडेट होती है मेरी, वहाँ होती है जो भी मैं नया काम कर रहा होता हूँ, तो देखिए इंशाल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था मैम, तो टाइम ही नहीं मिलता, जल्दी से पूछना है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं डिप्रेस्ड होती हूँ, तो मेरे पास इज अ लाइट ऑफ होप, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल ओपन एयर में ग्रीनरी मैं इमेजिन करती हूँ, उसमें अपने आप को इमेजिन करती हूँ, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को कैनवस पे किस तरह लाऊं? ये तो आपका काम है, आपने कर रहा है, मैंने तो नहीं करना। नहीं, वो कह रहे मैम ने कहा था कि आपसे ये चीज डिस्कस कर लूं, मैम ने उसमें लाइट और उसमें एक औरत ये बनाने की कोशिश ना करे, इसके अलावा सोचेगा किस तरह हो सकता है, ट्राई टू अप्रोच इनडायरेक्टली, ठीक है? ठीक है, तो उसको सोचेंगे
हो सकता है एक लाइन में कहा मुझे आपका, एक तरफ सिर्फ लाइट हो और एक तरफ डार्क हो लाइन, कुछ मिनिमलिस्टिक तरीके से सोचा है कम से कम अगर मैंने ये बात इस आइडिया को दिखाना हो कम से कम चीजों के साथ तो किस तरह दिखाऊंगी, तो हो सकता है आपको वो हेल्प करे। ठीक है, आई थिंक वी शुड टेक लीव फ्रॉम नाउ। थैंक यू सो मच नईम फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। And thank you on behalf of Computer Arts Department कि आपने हमें join किया इसके लिए। It was really a pleasure talking to you for such a long time. ठीक है, इंशाल्लाह we'll be meeting sometime in the future. आपका trip हो लाहौर में, you're more than welcome. Studio आप जरूर देखना। ठीक है, exactly. So का studio भी आ रहे हैं, नए studio, तो इंशाल्लाह we'll visit that sometime. इंशाल्लाह। Thank you so much. Okay, जी, हाफ़िज़। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। जी।